किसी का आईडी और पासवर्ड मुझे मिल गया, तो यहाँ पे लॉगिन करने के लिए बोल रहा है। सो चलिए इसको लॉगिन करके देख लेते हैं कि जो नया पोर्टल है वो कैसा है। सो इस लिंक पे आप क्लिक कीजिए। अब क्लिक करने के बाद आपको ऐसा एक डैशबोर्ड मिल जाएगा और यहाँ पे देखिए ऊपर राइट साइड में ये लॉगिन का ऑप्शन है, तो आप इस पर लॉगिन कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पे आईडी और पासवर्ड मांग रहा है। सो आप सिंपली जो डीजीमेल में सीएससी का आईडी पासवर्ड आया वो ही आप इसमें एंटर कर लीजिए। और आईडी पासवर्ड डालने के बाद यहाँ पे आप साइन इन कर लीजिए। और ये आप देख सकते हैं जो नया पोर्टल है वो कुछ इस टाइप का है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे बहुत सारा सर्विस यहाँ पे शो कर रहा है और यहाँ पे फर्स्ट जो है ये वॉलेट पिन इज नॉट सेट। तो आपको क्या करना है, फर्स्ट में आपका जो वॉलेट है इस वॉलेट का जो पिन कोड है वो आप सेट कर लीजिए। उसके बाद इस पोर्टल का जो पासवर्ड है वो भी आप चेंज कर लीजिए। और अब इस पोर्टल के जो वॉलेट का पिन, यूजर नेम और पासवर्ड है ये आप किसी को मत बताना, क्योंकि ये जानने से आपका जो पोर्टल है ये मिसयूज हो सकता है और आपके पोर्टल में अगर कोई प्रॉब्लम हो गया तो ये बंद भी हो सकता है। तो आप प्लीज़ इसमें शेयर मत कीजिए। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो वॉलेट बैलेंस है वो अभी तक जीरो है, तो मैंने इसमें अभी तक रिचार्ज नहीं किया, अपलोड नहीं किया बैलेंस इसकी वजह से। और ये पोर्टल हम थोड़ा देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए सर्विस का जो ऑप्शन है, सर्विस में हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए बहुत सारा सर्विस यहाँ पे अवेलेबल हो गया। IRCTC रजिस्ट्रेशन, ऐसा बहुत सारे LIC प्रीमियम, PVC कार्ड, आधार कार्ड, प्रधानमंत्री योजना, तो ऐसा बहुत सारा ऑप्शन आपको मिलेगा। और ये पोर्टल अभी तक रेडी नहीं हुआ काम करने के लिए, ये एक दो दिन में ये पूरा रेडी हो जाएगा। तो उसके बाद मैं आपको बहुत सारा वीडियो अपलोड करके दिखा दूंगा कि इसका जो नया फीचर्स, नया सिस्टम ये कैसे है, आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। सो यहाँ पे देखिए हम पहले इसको वॉलेट का पिन चेंज करेंगे, वो हम कैसे करेंगे। तो यहाँ पे देखिए लेफ्ट साइड में यहाँ पे जो डैशबोर्ड का ऑप्शन है, आप इसमें भी जाके वॉलेट का पिन सेट कर सकते हैं। नहीं तो यहाँ पे देखिए लेफ्ट साइड में जो वॉलेट का ऑप्शन है, यहाँ पे देखिए समारी, एड मनी, बैलेंस ट्रांसफर, रिपो बैलेंस, टॉप अप समारी, और यहाँ पे देखिए पासबुक का भी ऑप्शन है। सो करेंट ऑर्डर, ऑर्डर हिस्ट्री, रिफंड, यहाँ पे देखिए थर्ड में जो है आपका अकाउंट है, ऑपरेटर का ऑप्शन है, चेंज पिन वॉलेट और चेंज पासवर्ड। तो आप इस अकाउंट पे जाके वॉलेट का भी पिन चेंज कर सकते हैं और इस पोर्टल का भी पिन चेंज कर सकते हैं। सो यहाँ पे हम चेंज वॉलेट पिन पे जाएंगे। तो देखिए जाने के बाद आपको वॉलेट पिन चेंज का ऑप्शन आएगा। सो आपको क्या करना है, सिंपल जेनरेट OTP पे क्लिक करना है। और OTP पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए एंटर योर OTP है और वेरीफाई का ऑप्शन है। और यहाँ पे देखिए नीचे रेड कलर का लिखा हुआ है, प्लीज चेक योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। ये आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल है उसमें एक OTP जाएगा, मतलब वन टाइम पासवर्ड, उसको यहाँ पे डालना है और वेरीफाई करना है। उसके बाद आपको नया पासवर्ड सेट करना है, तो उसके बाद आपको वॉलेट का पिन चेंज हो जाएगा। सो ऐसे आप वॉलेट का पिन चेंज कर लीजिए। सो उसके बाद यहाँ पे जितना भी काम आएगा आप क्या क्या काम कर सकते हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। सो आज के लिए इतना ही। सो अगर इस वीडियो को अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए अक्सटेज को, क्योंकि बहुत सारा वीडियो अभी आने वाला है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लाइक दिस।